PCL सीजन 2 और एक बार फिर से मैं हूं एक टीम ऑनर के साथ राकेश त्यागी जी प्राची सनराइजर्स बहुत-बहुत स्वागत है राकेश जी आपका थैंक यू और राकेश जी क्योंकि पहली बार टीम PCL के अंदर आई है पहले सीजन में PCL में नहीं थे और कैसा फील है ये वाला इसमें कोई शक नहीं है अपने आप में खेल भावना के हिसाब से बहुत ही बढ़िया फीलिंग है और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने दुनिया भर की टेंशन को मुक्त करके जब क्रिकेट मैदान में होते हैं तो उसका मजा ही कुछ अलग है जी हाँ राकेश जी एक सवाल और है क्योंकि पहली बार जैसे हमने टीम को उतारा एक जब PCL 1 हुआ तो भी हमने उसे देखा कि दिल्ली दर्पण टीवी पर वो लाइव चल रहा था या फिर हम अमूमन क्रिकेट देखा करते थे तो टीवी पर देखा करते थे आज हम ग्राउंड में खुद मौजूद हैं और हमारे एम्प्लॉयज क्रिकेटर्स बन के ग्राउंड पर खेल रहे हैं तो क्या फीलिंग है वो एक सबसे बड़ी बात है कि एक पारिवारिक फीलिंग है और हम पहले PCL में तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन दूसरे PCL में हमारी थोड़ी प्रैक्टिस कम रही है लेकिन हमारे लड़कों का हौसला पूरा है हमारी टीम की एकता कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे मुकाम पर लेके जाएगी राकेश जी एक सवाल और है क्योंकि जिस मकसद के साथ इस PCL को शुरू किया गया था कि पब्लिशर्स एक तरफ कॉम्पिटिशन में रहते थे लेकिन यहाँ गेट टुगेदर हो जाता है प्यार प्रेम भावना जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं बढ़ जाते हैं तो क्या वो मकसद कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है सबसे बड़ी बात है एक साथ हो जाते हैं ठीक है सारी बातें ठीक है लेकिन कुछ पब्लिशर्स ने इसका गलत मिसयूज़ किया है कुछ अपने ऐसे प्लेयर्स को बीच में खिलाया जो कि उनकी टीम के भी नहीं थे अब ठीक है उन्होंने अपने सारे जो भी उनके चुनाव के उनके जो भी हिसाब किताब है वो सब पूरा करके उन्होंने नो डाउट कुछ आउटसाइडर को खिलाया जिसने PCL के मजे को थोड़ा कम किया है मैं समझता हूँ जी हाँ वो मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है खैर उस चीज़ को हम थोड़ा सा साइड ले लेते हैं क्योंकि हम बात यहाँ पर खेल की कर रहे हैं तो खेल बहुत ज़रूरी इस वक्त है खेल भावना से ही करेंगे हम उसे वहाँ खींचेंगे नहीं आपत्ति जर्ज कराना भी तो बहुत ज़रूरी है नहीं बहुत ज़रूरी और ये इसके लिए मैं आपको भी दाद देना चाहूँगा कि आपने एक एज अ टीम ऑनर इस बात को उठाया बहुत अच्छी बात है लेकिन खिलाड़ियों का क्योंकि एक एम्प्लॉयज़ जब हम एक मालिक के तौर पर एक ऑनर के तौर पर चल रहे होते हैं और अपनी संस्थान को आगे बढ़ा रहे होते हैं तो वो एक अलग लेवल होता है अब हमारे वो वही एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खिलाड़ी बन गए हैं तो वो अब टीम ऑनर होने का जो फीलिंग है वो कैसी है और खिलाड़ी जो एम्प्लॉयज है उनके साथ कैसा बर्ताव हो गया एक ही शब्द में खत्म करूंगा पारिवारिक सबसे अच्छी बात है कि सारे यहाँ ऐसा लग रहा है परिवार के सदस्य हैं और प्राची परिवार अब तो पहले से यूज़ करते हैं तो अपने आप में यहाँ आने के बाद जो एक भावना पूरी टीम के अंदर है पूरी मैं समझता हूँ प्राची पब्लिकेशन में वो अपने आप में एक नया एहसास है जी हाँ प्राची पब्लिकेशंस में एक नया एहसास क्योंकि पारिवारिक संबंध बन गया और त्यागियों में क्योंकि मैं भी त्यागी हूँ तो बहुत लंबा रिश्ता भी निकलेगा अगर सर से बात करेंगे लेकिन क्योंकि टीम ऑनर है सर तो एक मैसेज आपसे चाहूँगा अपने खुद की टीम के खिलाड़ियों के लिए भी और टीम ऑनर होने के नाते बाकी जितने भी खिलाड़ी और भी बाकी टीमों के लिए खेल रहे हैं भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस फ्रेशनेस को लेकर के पूरे साल की परेशानी को सबको दूर करके सब अपनी समस्याओं से निकलने के बाद अपने आकर के यहाँ इस मैच को खेल रहे हैं सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं ये एक ही मतलब एक ही पब्लिशर नहीं सारे पब्लिशरों के अंदर एक टीम भावना जागृत करती है जो अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत अलग है जी हाँ एक चीज़ और है राकेश जी कि आपने देखा होगा पहले सीजन में जो स्पॉन्सर थे वो 33 थे और इस बार जो स्पॉन्सर थे वो 89 है स्कूटी दी जा रही है मोबाइल दी जा रही है तो क्या देखते हैं कि इससे अगला लेवल कहाँ होने वाला है इससे अगला लेवल और भी इससे अच्छा होगा सबसे बड़ी बात है कि पार्टिसिपेशन में सभी पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से पार्टिसिपेंट सभी हिस्सा ले रहे हैं और ये अपने आप में बहुत अलग बात है और अगली बार इससे भी कुछ आगे होगा जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और ये राकेश त्यागी जी प्राची सनराइजर्स के टीम ऑनर हैं जो कि बता रहे थे कि आखिर ये प्राची सनराइजर्स को इस बार जोड़ने के बाद कितने खुश हैं और ये जो अगला सीजन है PCL सीजन 3 जो होगा वो इससे कितना आगे जाएगा PCL से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ क्योंकि बॉल बाय बॉल लाइव तो हम आपको दिखा ही रहे हैं इसी के साथ स्पॉन्सर्स और टीम ऑनर्स के साथ भी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं अंशुल त्यागी रोशन आरा क्लब दिल्ली We'll be right back.